से काफी पकता ही है, अगर ढका है बर्तन तो 1 मिनट 1 से 1.5 मिनट देता है वो। अगर देसी घी है तो बहुत ही अच्छा लगता है, अगर देसी घी में आपको नहीं पसंद तो उसके ऊपर थोड़ा सा बटर डाल दीजिए ना, क्या लगता इस मोटे डोसे कह लीजिए, या इसको मैं भी फ्राई करूँगी तो छोटी इडली है, चाहे वो तिकोनी कह लीजिए चाहे जो राउंड नहीं है, बहुत अच्छी लगेगी आप ऐसे ही फ्राई कर देंगे तो। पानी आ गया है, मतलब स्टीम है ये, मैंने तो कोई पानी नहीं डाला, ढकने से कितने स्टीम आ गई है इसकी चारों तरफ से, तो ये कुक करने में बहुत हेल्प करता है ढकने ढकना इसका, जल्दी कुक हो जाता है कोई भी चीज़। अगर आप दाल चावल कुछ भी पकाते हैं तो ये खाने में पहले बड़े लोग बहुत टिप्स देते थे मेरे घर वाले, या मैंने कई जगह पढ़ा भी है कि अगर खाना ढक के पकाइए तो गैस बचती है और जल्दी कुक होते हैं, टाइम सेविंग्स होती है। तो जितना हो सके आप खाना ढक के पकाएं, जब पकाना हो। कुछ चीज़ें हैं जिसे हम ढक के नहीं पका सकते हैं तो उसे छोड़ दीजिए, लेकिन कुछ चीज़ों को ढक के पकाना चाहिए, जैसे डोसा या चीला बनाना तो ढकने की ज़रूरत नहीं है, पतला पेपर डोसा। लेकिन अगर आप मोटा उत्तपम जैसा बना रहे हैं, या उत्तपा जैसा बना रहे हैं, या फिर मोटा डोसा बना रहे हैं जिसे कहते हैं, तो ढक दीजिए तो बहुत बहुत ही क्विकली हो जाएगा। तो देखिए मैं फिर जा रहा हूँ, देखती हूँ खुद करके। इस साइड में आपको दिखाती हूँ ज़रा उठा के, देखिए हो गया, चटनी डाला था इसमें भी हल्का कुक लगभग कुक लग रहा है, क्योंकि अभी मैं जब ढक दिया था काफ़ी अच्छा स्टीम ढक्कन पे आ गया था, तो मुझे लगता है कि पूरा फुल्ली कुक हो गया होगा कि 3 से 4 मिनट या 5 मिनट, तो फिर शेप में मतलब ऐसे लंबा लंबा ही कट करूँगी, राउंड तो होने से था, ऑलरेडी राउंड है ये तो। उसको मैं ला रही हूँ प्लेट निकालने के लिए, तब तक मैं ढक देती हूँ प्लेट ला, फिर इसको काटेंगे। तो देखिए ये हो गया, अगर ये नहीं है मान ली नॉन स्टिक भी, कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी नहीं रखते हैं, बहुत लोग नहीं रखते हैं, कुछ हेल्थी पर्पज़ होता है या जो भी रीज़न है, अगर कभी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं प्रेजेंट में, तो जो आपके पास कढ़ाई है, जैसे खाने की कढ़ाई होती है उसमें बनाते हैं, तो उसमें अच्छा ऑयल लगा दीजिए और प्याज से उसको रब कर दीजिए, या फिर उसमें कोई ब्रेड से उसको रब कर दीजिए कढ़ाई को, या फिर तावा, जो तावा जिस पर रोटी बनाते हैं उस पर एक रोटी को ही ऑयल लगा के सेक लीजिए, या ब्रेड को सेक लीजिए ऑयल लगा के, तो वो बिल्कुल नॉन स्टिक का काम करेगा। तो अभी मैं इसको ऑफ़ करती हूँ कि नॉन स्टिक के अलावा भी कभी कहीं और कैसे बन सकता है, ये कढ़ाई हो चाहे वो तवा हो सब पे बन जाएगा। तो अभी मैं इसको काटने जा रही हूँ, मैं चाकू लाने गई थी, कुछ लगा था तो धो रही थी इसको। अच्छा तो आप अभी देखिए मैं इसको, बहुत मुश्किल उत्तम जैसे बना सकते हैं अगर हमारे पड्डू पात्र नहीं है, बर्तन नहीं है, अगर पड्डू बर्तन नहीं तो आप ऐसे बना सकते हैं, देखिए कितना अच्छा शेप आएगा। अभी इतना हॉट है कि मुझे उठाने में बहुत गर्म लग रहा है, हाँ। बिना जी, बिना श्रीवास्तव जी, थैंक यू फॉर कमिंग माई लाइव स्ट्रीम। बिना श्रीवास्तव जी ऐसे ही मेरे लाइव स्ट्रीम बने रही है, देखिए ये कितना अच्छा शेप आया है इसका, ये देखिए
मैं और भी, ये कॉर्न है, ये सोया का साग है, ये कैरेट है, और मैंने अंदर तड़का दिया था। आप जो ओनियन लहसुन प्याज खाते हैं वो लोग थोड़ा सा प्याज भी डाल सकते हैं अगर पसंद करें तो।